देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेरर फंडिंग की रकम नेपाल से यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचाई जाती है। यहां से ये रकम अन्य प्रदेशों को भी भेजी जाती थी। ये खुलासा रिमांड पर लिए गए टेरर फंडिंग के चारों आरोपियों से पूछताछ में हुआ है। टीएस को आतंकियों को धन मुहैया कराने के इस रैकेट से जुड़े कुछ और लोगों के नाम भी पता चले हैं। शुरुआती पूछताछ में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वे रकम नेपाल से यूपी लाकर अन्य साथियों को देते थे। ये साथी रकम को दिल्ली पहुंचाते थे जहां से इसे आगे भेजा जाता था। एटीएस ने जब खीरी पुलिस के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की थी तब पूछताछ में ये जानकारी सामने आई थी कि दिल्ली से इस रकम को आतंकी गतिविधियों को संचालन में इस्तेमाल किया जा रहा था। नेपाल से आई रकम को दिल्ली तक पहुंचाने वाले जिन फहीम और सदाकत के नाम सामने आए वे बरेली के इज्जत नगर इलाके के निवासी हैं। एटीएस के साथ ही अन्य एजेंसियां भी इन दोनों की तलाश में जुट गई।